नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट्स। भारत में 85 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं अब तक 78,54,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। 1,26,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के केस अब और नहीं बढ़ने की उम्मीद। अभी मास्क को ही वैक्सीन समझे लोग। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। बिहार में तीसरे चरण का मतदान खत्म। आखिरी चरण में 55.22% हुआ मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। मतदान के बाद बिहार चुनाव के एग्जिट पोल्स में नीतीश सरकार दिख रही है जाती हुई। तेजस्वी यादव की बनती दिख रही है सरकार। एनडीए को जहां 103 से 118 सीटें मिलते दिख रही है, वहीं महागठबंधन को 110 से 130 सीटें मिल सकती है। वहीं एलजेपी को 1 से 6 एवं अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिलने की उम्मीद लग रही है। बिहार की 243 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 122 है। जो बाइडेन ने जीता अमेरिका के अगले प्रधानमंत्री का चुनाव। अमेरिका के होंगे 46वें राष्ट्रपति। बैटल ग्राउंड स्टेट पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद हो गया तय। अब तक वोटों के गिनती के अनुसार जो बाइडेन 273 इलेक्ट्रोल वोट जीत चुके हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए 270 इलेक्ट्रोल वोटों की जरूरत थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं। जीत पर बाइडेन ने देश का किया शुक्रिया। कहा, हर अमेरिकी का राष्ट्रपति बनूंगा, वोट दिया हो या नहीं। मध्य प्रदेश में बरकरार रहेगा शिवराज का ताज, कांग्रेस के लिए मुश्किलें। एग्जिट पोल्स में भाजपा को 16 से 18 सीटें, वहीं कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान। यूपी के उपचुनावों में भी बीजेपी को बढ़त। एग्जिट पोल्स के अनुसार बीजेपी को 5 से 6 सीटें, वहीं सपा को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। लालू यादव की सेहत खराब, किडनी लेवल 4th स्टेज में पहुंचा। भारत ने किया पीएसएलवी C-49 से रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण। देश के नए सूचना आयुक्त बने यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। छात्रों को दिया मंत्र, कहा ग्लोबलाइजेशन अहम लेकिन आत्मनिर्भरता भी जरूरी। गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के दौड़े मिलिंद सोमन, अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसेना अभ्यास का पहला चरण समाप्त। 24वें बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास बंगाल की खाड़ी के मालाबार में संपन्न हो गया। अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली फिलहाल कोई राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, दिवाली की छुट्टियों के बावजूद कोर्ट 4 दिन के भीतर आदेश जारी करने की कोशिश करेगा। अर्नब चाहे तो सेशन कोर्ट जा सकते हैं। 9 नवंबर को है अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में डीजीपी छोड़ेंगे पद, फिर लौटेंगे दिल्ली। पुलिस महकमे में मनमानी तबादले से नाराज हैं सुबोध जायसवाल। केंद्रीय सेवा में फिर से लौटने की तैयारी। सुशांत ड्रग्स केस में सौविक ने तीसरी बार दायर की जमानत याचिका। पहले की दोनों याचिका हो चुकी है खारिज। हज कमेटी ने हजियों से मांगे ऑनलाइन आवेदन। 10 दिसंबर है आखिरी तिथि। सऊदी अरब ने तोड़ी पाकिस्तान से दोस्ती, चुकाना होगा $2 अरब का कर्ज। दिल्ली पुलिस ने नारायणी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ
300 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। यस बैंक से अस्पताल बनाने को लेकर 300 करोड़ का लोन लेकर उसकी हेराफेरी करने का आरोप। ननद पर खौलता तेल उड़ेल, महिला ने 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, 3 साल के बेटे समेत मौत। दिल्ली NCR के ग्रेटर नोएडा की घटना, पुलिस ने महिला के पति को किया गिरफ्तार, कर रही है पूछताछ। बिहार में धान की कुटाई शुरू पर सरकारी खरीद न होने से किसान नाराज, आधे दाम में बेच रहे हैं उपज। गुजरात लोक सेवा आयोग ने रिसर्च ऑफिसर और प्रोफेसर सहित 1203 पदों पर निकाली वैकेंसी, 1 दिसंबर है आखिरी तिथि। रेलवे PSU में इंजीनियर की भर्ती, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 170 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित, 26 नवंबर है लास्ट डेट। आज IPL T20 में है दूसरा क्वालिफायर, दिल्ली और हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला, जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है मुंबई, 10 नवंबर को है IPL का फाइनल। आज के मैच का प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत, नमस्कार।